जिन के लोगों के खिलाफ बदला लेने की बात कभी भी नहीं करके गया होगा, ऐसा एक बात चीफ मिनिस्टर ने किया। और उसके बाद हम देखते हैं पुलिस ने वैसा बदला लिया, रात रात को घरों में घुसकर प्रॉपर्टीज को बर्बाद किया गया, रिलीजियस प्लेसेस को बर्बाद किया गया, यहाँ तक के जो मदरसे हैं उनके बच्चों को अरेस्ट करके, और रिपोर्ट्स आए हैं कि सेक्सुअली असॉल्ट्स भी हुए हैं। तो ये पूरा जो एक वेंडेटा हम देख रहे हैं, और जो जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल थे उन लोगों पर आखिर जाकर बहुत सारे एक्टिविस्ट, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट नहीं, अलग अलग संगठन के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया, और ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इल्जाम लगाए गए। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी इसमें एक प्राइम टारगेट किया गया, पूरी दुनिया भर में यूपी गवर्नमेंट का नाम जो खराब हो गया था, पूरी दुनिया में शेम उन पर आ गया था। अब इससे बचने के लिए और पूरी दुनिया का अटेंशन इससे डाइवर्ट करने के लिए उन्हें स्केपगोट चाहिए था, बलि का बकरा चाहिए था, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को स्केपगोट बनाने की कोशिश की गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एड हॉक कमेटी, उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टेट कमेटी नहीं है क्योंकि नया नया काम शुरू हुआ, इसलिए वहां पर एड हॉक कमेटी है। उस एड हॉक कमेटी के जो कन्वीनर है वसीम और एड हॉक कमेटी के दो मेंबर्स अशफाक और मोहम्मद नदीम, इनको अरेस्ट किया गया बेसलेस चार्जेस पर कि इन लोगों वायलेंस का जो प्रोटेस्ट के बाद जो वायलेंस हुए उस वायलेंस का इल्जाम इन पर लगाया गया, और एक बेसलेस एलिगेशन इस पर लगाकर इन्हें अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी आकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में चेकिंग किया गया, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो रूटीन डॉक्यूमेंट्स है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं, पॉपुलर फ्रंट में कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होते, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो पॉपुलर फ्रंट सालों से प्रिंट करते आ रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स को एक बहुत ही क्या कहते हैं कि एक नाम दिया गया कि ये इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट है, इंसाइटिंग डॉक्यूमेंट है, भड़काऊ डॉक्यूमेंट है। वो भड़काऊ डॉक्यूमेंट क्या है वो भी आज हम आप लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे, और आप लोग खुद फैसला कीजिए कि भड़काऊ डॉक्यूमेंट क्या है। तो ये पूरे जो एक एलिगेशन हम पर लगाए गए हैं उसके बाद कि इनको बैन करने की जरूरत है, तो हम कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बैन करने का ऐसा कोई भी रीजन यूपी गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोई भी ग्राउंड्स, लीगल ग्राउंड्स इनके पास नहीं है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन करने की। तो ये जो भी बातें हो रही है, ये एक डेमोक्रेटिक संगठन जो पॉपुलर फ्रंट है इसे सप्रेस करने के लिए ये कहा जा रहा है। लेकिन हम भी आज मीडिया के सामने, पूरी इंडिया के आवाम से और गवर्नमेंट से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे जो भी धमकियां हैं या ऐसे जो भी एक डेमोक्रेटिक राइट को सप्रेशन की कोशिश से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो उसका एक रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो पॉपुलर फ्रंट काम कर रहा है, इस रास्ते को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। जो भी लीगल और डेमोक्रेटिक मींस हमारे सामने है, लीगल एंड डेमोक्रेटिक मींस का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा इस्तेमाल करते रहेगा, और जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो एक रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्शन का, पीपल राइट्स प्रोटेक्शन का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उस रास्ते में आगे बढ़ता ही रहेगा। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोग इस जो सारे एलिगेशन हम पर लगाए गए हैं उस एलिगेशन के बारे में हमारा स्टैंड रखे हैं कि पूरे फेक और बेसलेस है। यूपी में जो भी हमारे पर एलिगेशन लगाए गए हैं कि वायलेंस का और दूसरे स्टेट्स में, ये सारे एलिगेशन को हम लोग खारिज करते हैं। कहीं पर भी पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं है सिवाय बड़े बड़े बातों के कि इसमें पॉपुलर फ्रंट इन्वॉल्व है, कुछ भी आज तक प्रोड्यूस नहीं किया गया। और हम लोग चैलेंज भी करते हैं वहां की पुलिस को कि आप लोग कोई भी ऐसा एविडेंस मीडिया के सामने और मुल्क के आवाम के सामने प्रेजेंट करके दिखाएं जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहीं पर भी वायलेंस करने की बात कही है। तो ये चीज आपके सामने हम रखना चाहते थे। तो अभी क्वेश्चंस के लिए ओपन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपके सवाल थे आप कीजिए। थोड़ा हर एक पकड़ लीजिए, ये देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल जो है जो तो प्रेस रिलीज हम लोग इशू करते हैं, साल के एंड में सारे प्रेस रिलीज का एक बुक बनाते हैं, देखिए इसको इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट कहा गया। और निकाल रहा हूं स्कूल चलो जाए थे कहा गया।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो भी ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्कूल चलो कैंपेन होता है हर साल, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारा डिपार्टमेंट है जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम हम लोग करते हैं, इस बुक्स को भी इंक्रिमिनेटिव और भड़काऊ कहा गया। साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिखाया गया वो ऐसा डॉक्यूमेंट था, ये जो है हर साल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल ईयर एंड में एक ब्रोशर पब्लिश करता है कि पूरे एक साल हमने क्या क्या काम किए, पूरे स्टैटिस्टिक्स पूरे इसके अंदर होते हैं। ये बुकलेट जो है हमेशा हमारे हर पब्लिक प्रोग्राम में और हमारे पीआर वर्क में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक रिलेशन वर्क में, इसको भी इंक्रिमिनेटिंग कहा गया। देखिए बहुत ही आसान है भड़काऊ भड़काऊ बातें कहना, लेकिन तो ये बहुत ही आसान है। देखिए हमारे मुल्क के अंदर हम एक ऐसे मुल्क में है किसी को भी किस पर भी एलिगेशन लगाने का पूरा हक है, एलिगेशन लगाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर, लेकिन इन एलिगेशंस को कहीं पर भी प्रूव नहीं किया गया है। एक मिनिस्टर सुबह को उठकर कहता है कि इन्हें आईएसआई से पैसा आया, जो चीज बड़े बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आज नहीं कहा एक मिनिस्टर को सपने में नजर आकर वो कह देता है। कुछ लोग कहते हैं अलकायदा के साथ इनका लिंक है, इंडिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी 10-15 साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, उनको आज तक पता नहीं चला, किसी एक मिनिस्टर को यह बात पता चल गया। ये पूरा इसी से पता चलता है बकवास बेबुनियाद इल्जाम हम पर लगा रहे हैं पॉपुलर फ्रंट को रोकने के लिए। हमें प्रोग्राम करने नहीं दिया गया, गलत न्यूज है। कल मुर्शिदाबाद में 5 तारीख को संडे को हमारा एक प्रोग्राम था इसी ताल्लुक से सीए एनआरसी और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स और पीपल राइट्स के मुताबिक, उसमें जो है वहां की लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे रिक्वेस्ट किया। वहां की लोकल पुलिस ने हमसे ये कहा कि आप लोग आपका प्रोग्राम अब मत कीजिए, आप लोग थोड़े वीक के बाद पोस्टपोन कीजिए। दैट इज द रीजन फॉर पोस्टपोनिंग इट, द रिक्वेस्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। उस रिक्वेस्ट को हमने मानकर हमारे प्रोग्राम को हमने पोस्टपोन किया है, नया डेट भी बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे। कहा जा रहा है जैसे लाल गलियारा बनाया जा रहा है तो वैसे ही पीएफआई जिहाद गलियारा बनाने में लगी है, इस वजह से परिवर्तन हो रहा है। देखिए कहने के लिए बहुत आसान है, कहां पर हुआ है ये एलिगेशन जो आप बोल रहे हैं ना, पहली बार ये एलिगेशन 2011 में आया था, शायद पुराने मीडिया वालों को पता रहेगा। उसके बाद कहां कहां हुआ ये, कहीं पर भी हुआ? अगर 2011 में ये एलिगेशन पहली बार लगा था अब तक तो सामने आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? क्यों हम लोग यहां पर आकर आपके सामने इतने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? कुछ होना चाहिए था। ये एलिगेशंस लगाने का काम जो है बहुत आसान है, लगा सकते हैं। मैं आपसे चाहता हूं अलग अलग एलिगेशंस के बारे में आप लोग पूछे, हम लोग उसके बारे में विशाल जवाब देंगे। बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा हुई, आपका कहना है कि 144 लगाई, लेकिन 144 लगाई तो क्या आप उसको तोड़ेंगे, हिंसा करेंगे? देखिए पहली बात हम लोग यहाँ पर कहना चाहते हैं कि 144 सेक्शन जो लगाया गया था हमारा स्टैंड है वो गलत था, क्योंकि पहले से ही कैसे पता, आप पहले से ही कैसा ये सोच सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट वायलेंट होने वाला है, इसका मतलब प्रिजुडाइस है। पहले आपने दिमाग के अंदर बना लिया क्या एक प्रोटेस्ट होगा तो 100% वायलेंस होगा, कहीं पर भी नहीं हुआ था वायलेंस। तो ये 144 सेक्शन लगाया गया जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किया गया था। दूसरा भी एक पॉइंट नोट करना है, सारे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट हुआ है, कहीं भी वायलेंट नहीं है, सिर्फ 3 स्टेट में, मतलब उधर गवर्नमेंट के तरफ से हुआ है, पुलिस के तरफ से हुआ है, लोगों के तरफ से नहीं हुआ है। अभी लोगों के पास वीडियो है, फोटोज है, ये वायलेंस किसने किया? ये पत्थर पुलिस ने मार दिया और वो लोग डायरेक्टली अटैक करने का पूरा वीडियो अभी लोगों के पास है। लेकिन पुलिस का कंट्रोल किसके पास है? दिल्ली में पुलिस किसके पास है?
नहीं, दिल्ली में पुलिस किसके पास है? आप कह रहे हैं वायलेंट खुद पुलिस ने किया, यहाँ खुद जो आग लगाई गई है जामिया इलाके में, वो तो खुद स्टूडेंट्स और जो लोग लगाई है। देखिए उसका भी वीडियो आ गया है, बसों के अंदर कौन गए थे तो मैं अभी कहना नहीं चाहता, पहला चीज वो है। दूसरा चीज जी, आपका सवाल आपने पूछ लिया, मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, हर कोई जानता है दिल्ली की पुलिस किसके कंट्रोल में, बस यही जवाब है। अच्छा, ये सिमी के तो वो मेंबर आकर के पीएफआई में शामिल हो गए, तो दो बातें हैं, सिमी के बारे में आपकी क्या राय है, आप ये मानते हैं कि सिमी का संबंध आतंकवादी घटनाओं से था या नहीं, और क्या उसके सदस्य आप में शामिल हुए हैं नहीं? देखिए मैंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसके अंदर। सिमी बैन हुआ 2001 में, सिमी बैन हुआ 2001 में। पॉपुलर फ्रंट का एक हिस्ट्री जान लीजिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये नाम आया 2006 में, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से पहले तीन स्टेट्स में तीन संगठन थे, कर्नाटक के अंदर केएफडी, केरल के अंदर एनडीएफ और तमिलनाडु के अंदर एमएनपी, जो 1993 से काम कर रहे हैं। सिमी बैन हुआ 2001 में, 93 में ये संगठन बन गया, यानी किसी संगठन को 7 साल पहले पता चल गया था कि 2001 में सिमी बैन होने वाली है। तो इस सिमी रीग्रुपिंग का जो आरोप है ये कंप्लीट बेबुनियाद है, क्योंकि सिमी बैन होने से कहीं पहले ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी, देखिए हर वो संगठन, सिर्फ सिमी नहीं, हर वो संगठन जो देश के खिलाफ काम करता है, हर वो संगठन जिस पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप साबित हुआ है कोर्ट में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्टैंड भी वही है जो देश के हर एक आवाम का उनके बारे में स्टैंड है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि यूपी में दंगों के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट की बात आपने कही है, तो क्या ऐसी कोई लिखित में कोई शिकायत आप लोगों को मिली है, या आपने पुलिस को कोई एफआईआर ऐसी करवाई कि वहां ऐसा हुआ है वास्तव में कहीं, या केवल हवा में बात रही? देखिए ये बात हवा में नहीं, हम भी आप जैसे मीडिया रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग यहाँ पर कोट कर रहे हैं। ये बात मीडिया में रिपोर्ट हुई थी, सोडोमाइजेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया। आप लोग जानते होंगे कि सोडोमाइजेशन जो वर्ड है वो वर्ड बहुत ही बुरा वर्ड है। बच्चों के साथ जो पुलिस कस्टडी में थे उनके साथ जब असॉल्ट हुआ, असॉल्ट के बाद पता चला कि उन बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था करके, ये रिपोर्ट पूरे ओपन मीडिया में है, ये मीडिया रिपोर्ट से आपके सामने मैं कोट कर रहा हूँ। पॉपुलर फ्रंट के पास स्पेसिफिक कोई ऐसा एक रिपोर्ट, कोई कंप्लेंट नहीं आया है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट है। केरल की सरकार आपके खिलाफ क्यों है? आप तो ये कह रहे हैं कि जहां जहां वायलेंस हुआ वहां आपका इशारा है कि बीजेपी सरकार है, लेकिन केरल की सरकार भी आपके खिलाफ है, और केरल में भी आपको बैन करने की जो पहल हुई है वो फिर क्यों है, अगर आपको ये लग रहा है कि सारी बीजेपी सरकार आपके खिलाफ है? देखिए 2017 के अंदर ऐसी बातें आई थी, पूरा एक माहौल बन गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कल बैन होने वाला है। उस वक्त केरल की सरकार से जाकर पूछा गया था, केरल की सरकार से पूछा गया था कि क्या केरला में आप लोग पॉपुलर फ्रंट बैन कर रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड केरला के चीफ मिनिस्टर, सुनिए मेरी बात, सवाल केरला का है, समझे? तो सुनिए, तो उसमें केरला के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ केरला के जो पुलिस के डीजीपी उनका भी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि केरला के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा एक रिक्वेस्ट नहीं गया है पॉपुलर फ्रंट को बैन करने के लिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट केरला चीफ मिनिस्टर और डीजीपी का। ऐसी तमाम संस्थाएं देश में जो समाज के लिए काम करती है, लेकिन पीएफआई एक ऐसी संस्था क्यों है जिस पर कई स्टेट्स में लगातार उंगलियां उठ रही है, पुलिस और प्रशासन और सरकार को आप पर बैन करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ रही है, ऐसा क्यों? खिलाफ हमारा एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड रहा है। अगर आप हमारा ये सब स्टैंड पढ़ेंगे इस किताबों में, हर साल जो हम लोग प्रेस रिलीज दे रहे हैं, ये प्रेस रिलीज में आप देखेंगे जब जब भी इंडिया के अंदर हिंदुत्व या कम्युनलिज्म के नाम पर कुछ भी काम किया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, हमारे प्रेस रिलीज के तरह, हमारे एजिटेशंस के थ्रू, हमारे कैंपेन्स के थ्रू। हमेशा से ही अगर आप देखते हैं कि आरएसएस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को उसके एजेंडा के लिए ट्रैक मानता था,
चंद साल पहले आरएसएस का जो नेशनल कमेटी मीटिंग कोच्चि के अंदर हुआ था, उसके पहले दिन ही, तीन दिन भी नहीं, पहले दिन के बाद ही शाम को मीडिया एड्रेस करकर मोहन भागवत सरसंघ चालक ने आकर कहा था कि गवर्नमेंट को पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए करके। तो हम समझते हैं ये जो जो बीजेपी स्टेट्स में खासकर हमारे खिलाफ एलिगेशन आ रहे हैं, ये बीजेपी स्टेट्स को आरएसएस की तरफ से, नागपुर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उनके जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए वो लोग हमें सबसे बड़ा एक रस्ते का एक पत्थर मानते हैं, और हम भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मुखालिफत करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है ये आइडियोलॉजी इंडिया सेक्युलर वैल्यूज के खिलाफ है। क्या है आइडियोलॉजी क्लैश है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? आइडियोलॉजिकल क्लैश है। पुलिस ने हर जगह, चाहे वो यूपी हो चाहे दिल्ली हो, काफी ऐसे भड़काऊ बयान जो पीएफआई के थ्रू आए हैं उसको एविडेंस बनाकर काफी सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इनफैक्ट मेरठ में जो दो लोग अरेस्ट हुए उनके अरेस्टिंग के बाद पुलिस ने ये भी कहा है कि वो दोनों पाए गए कि पीएफआई में मेरठ के पीएफआई के साथ वो काम कर रहे थे। तो पुलिस का सीधा निशाना पीएफआई पर ही है, चाहे वो यूपी हो चाहे दिल्ली हो, दिल्ली की एसआईटी ने भी यही कहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कहना चाहता हूँ आप सारे मीडिया के सामने, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आज तक जो भी हमारे स्पीचेस हुए हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने आज तक जो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए हैं, हमारा कुछ भी ऑफिशियल मटेरियल, हमारे स्पीचेस आप ले लीजिए, कहीं पर भी हमने किसी भी धर्म के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कभी भी संविधान के खिलाफ, सेक्युलर वैल्यूज के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ने कभी भी कुछ भी नहीं कहा है। यह हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। ये जो कह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भड़काऊ भाषणें दी है, तो इसका प्रूफ उन्हें प्रेजेंट करने की जरूरत है। लाए प्रूफ लाए सामने, वो प्रूफ को हम लोग काउंटर करेंगे, जिस तरीके सारे एलिगेशन को हमने काउंटर किया। मेरठ की पुलिस ने जो आपके पर्चे जब्त किए जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसमें एक पर्चा है जिसमें आप लिखते हैं कहीं हम भूल ना जाएं, और आप दो तारीख का जिक्र करते हैं, 6 दिसंबर और 9 नवंबर। 6 दिसंबर जब बाबुल मजीद शहीद की आप कहते हैं, और 9 नवंबर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप उसमें क्वेश्चन करते हैं कि हम ये भूल ना जाएं, तो ये क्या दिखाता है? ये जो हमारा एक टैगलाइन है, लेस्ट वी फॉरगेट, कहीं हम भूल ना जाए, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और पॉपुलर फ्रंट इंडिया शुरू होने से पहले जो एनडीएफ और ये लोग अलग तंजीमें थे, 1993 से हम लोग ये यूज कर रहे हैं। यूपी में शायद पहले बार मिला है, 2-3 साल से यूपी में हम लोग हमारा काम सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए नया लग रहा है, कोई नया नहीं है। आपके साउथ इंडियन रिपोर्टर से अगर पूछेंगे, 93 से यही पोस्टर, यही हैंडबिल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, नहीं देखिए इसमें कोई भी हमारे ओपिनियन में इसमें कोई भी भड़काऊ चीज नहीं। क्यों? 6 दिसंबर को जो हुआ वो एक क्रिमिनल एक्ट था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो अभी जजमेंट आया है, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि 6 दिसंबर को जो हुआ था वो क्या था, एक क्रिमिनल एक्ट था। हम चाहते हैं कि मुसलमान नहीं, देश ना बोले, क्योंकि 6 दिसंबर को जिन लोगों ने मस्जिद को डिमोलिश किया था उन लोगों को पनिशमेंट मिलना जरूरी है, देश ही नहीं भूलना चाहिए। 6 दिसंबर के दिन ही प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने कहा था, वादा किया था मुल्क के साथ मस्जिद की तामीर की। हम कहते हैं याद रखिए उस चीज को, एक चीज। सेकेंड चीज जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ने नहीं किया था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से उस पर क्वेश्चन किया था, क्योंकि हमें, हमारा ओपिनियन हमने वेरी क्लियरली प्रेस रिलीज भी दिया था, हमें उसमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आया, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हमें उसके अंदर नजर आया। एक इसमें बताया गया कि जो मूर्तियां रखी गई थी 49 में उसको क्रिमिनल एक्ट कहा गया, 92 में जो डिमोलिशन था उसको क्रिमिनल एक्ट कहा गया, लेकिन जजमेंट कुछ और है, इसलिए हमने क्रिटिसाइज किया, इसलिए हमने दो डेट्स को मेंशन किया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, इसके ऑर्डर को क्रिटिसाइज करना ये एक इंडियन डेमोक्रेसी का एक खूबसूरती है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक एंटी लॉ, एक इल्लीगल काम नहीं है। पर यहाँ क्रिटिसाइज की बात नहीं, यहाँ पर बात है कि आप भड़का रहे हैं कहीं हम भूल ना जाएं, जो आरोप है, जो पुलिस भी कह रही है कि कहीं हम भूल ना जाएं, यानी कि उसको याद रखिए और उसके बाद जो है बाकी आपका जो 50 तंत्र काम कर रहा है। क्योंकि सीए को लेकर आप विरोध कर रहे थे और उस समय आप पुरानी उन बातों को भी याद करा रहे हैं, तो एक तरह से तो प्रूव करना ही हुआ ना। सीए के वक्त ही ये हैंडबिल नहीं बांटा गया है, देखिए ये जो है कैंपेन 6 दिसंबर को हुआ था, सीए का कब हुआ, 19 को। अब जब 6 दिसंबर को एक जगह लगाया गया है
तो उसके बाद जाकर 19 दिसंबर से एक दिन पहले हम जाके निकालेंगे क्या हर एक टेंपो से? नहीं है ना। तो 11-19 तारीख को नहीं लगाया गया था, 6 दिसंबर को। तो इन दोनों का साथ में नहीं किया गया था, वो 6 दिसंबर को था, ये 19 का था। और 19 के वक्त भी एक चीज वेरी क्लियर बताते हो, ये जो CA रिलेटेड जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने CA रिलेटेड हमने कोई भी हैंडबिल ना तो प्रिंट किया, पब्लिश किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। नॉर्मली हर कैंपेन में हम लोग हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इस बार इस कैंपेन में हमने नहीं किया था, क्योंकि ये कैंपेन एक कंट्री का कैंपेन था, सारे संगठन कर रहे थे, तो इसलिए हमने फैसला लिया था कि हम कोई भी हैंडबिल पब्लिश नहीं करेंगे। तो CA रिलेटेड कोई भी हैंडबिल पब्लिश, प्रिंटेड और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसके बारे में ये एक प्रोवोकेशन नहीं है, 1993 से वो हम हमेशा याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि उधर एक नाइंसाफी हुआ है, एक जुल्म हुआ है, एक इलीगल एक्शन हुआ है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है। अभी तक वो क्रिमिनल्स के ऊपर एक सजा आया नहीं, एक जजमेंट आया नहीं, ये याद दिलाते रहते हैं। ये अभी तक वो नाइंसाफी के खिलाफ एक ऑर्डर आया नहीं, एक्शन नहीं, मतलब क्या है? वो एक हमारा एक शॉर्ट कमी है इंडियन ये क्रिमिनल नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का ऊपर, नहीं तो पुलिस संविधान के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है, वो याद लेते रहते हैं 1993 से। ये एक प्रोवोकेशन के ऊपर नहीं है, ये गवर्नमेंट के सामने एक डिमांड है, इधर एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ, और सारे हिंदुस्तान पॉपुलर एक कॉन्सेंस के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है। इसके ऊपर एक्शन नहीं है तो कहां है जस्टिस? देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आवर लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ? देन चंद लोगों को कोई नॉर्म्स नहीं, रूल्स नहीं, कुछ भी चाहते वो भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर बहुत कानून है इधर, ऐसे तो जस्टिस कहां है? ये याद दिलाते रहते हैं, ये अभी एक दिन के दो दिन 1993 से करते रहते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य दूसरे राज्यों में EFI को बैन करने की जो बात चल रही है, अगर ऐसा होता है तो आप उसका आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, इसमें नंबर वन हमें तो पूरा यकीन है कि लीगल ग्राउंड्स में हमें बैन नहीं कर सकते, पॉलिटिकल वेंडेटा लेकर चाहे तो कर सकते हैं, पता नहीं। झारखंड का एक मिसाल ले लीजिए, झारखंड में पहली बार हमें बैन किया गया 2017 में, उसके बाद में हम लोग रांची हाईकोर्ट को गए, वहां पर भी झारखंड हाईकोर्ट, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा यहीं पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, यही पूरे एलिगेशन जो आजकल मीडिया में आ रहे हैं ना, कॉपी एंड पेस्ट गवर्नमेंट ने करके हाईकोर्ट में डाल दिया था, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया पहली बार। सेकेंड टाइम झारखंड में वापिस बैन डाला गया, और अगर आप पेपर पढ़ेंगे पूरा का पूरा पुराना वाला ही कॉपी एंड पेस्ट है, सिर्फ एक नया स्टेशन वहां पर इशू डाला गया है, किसी एक ग्राउंड के अंदर एक कोई एक स्टैचू थी, उस स्टैचू को तोड़ा गया करके, उसका भी कोई ये नहीं है। तो ऐसा एक चीज ऐड करके, और ये भी 100% हमें भरोसा है, जब हियरिंग में आएगा, रिसेंटली आएगा रांची वापिस, झारखंड में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट वापिस एक केस हार जाएगी और बैन लिफ्ट हो जाएगा। अगर पूरे इंडिया में भी, अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा चीज होगा, हमें इंडिया के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर, हमारे इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर और इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ में जो जो डेमोक्रेटिक मींस और जुडिशियल और लीगल मींस रहेंगे उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जुडिशियल सिस्टम पर आपको भरोसा है कि आपका वो बैन उठा देगा, इसमें भरोसा है? अयोध्या वाले फैसले भरोसा क्यों नहीं हुआ आपको? भरोसे की बात नहीं है, बात भरोसे की नहीं, बात जो है अगर एक फैसला होता है तो उस फैसले को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ऐसा कुछ एक अंधा कानून है क्या कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो भी जजमेंट ले आन बन करके मान लो? ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, बिहाइंड ऑल दिस एलिगेशन, अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन हो रहा है ना आपकी पार्टी के ऊपर हो रहे हैं फ्रॉम ए नुक एंड कॉर्नर, यस, उसकी और साइकोलॉजी इस मैं साइकोलॉजी जैसा मैंने पहले बताया, वी आर अपोजिंग द कम्युनल पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी एंड आरएसएस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज द रीजन वी लुक कर रहे हैं।
तो सभी कर रहे हैं, देयर आर मुस्लिम्स बट या इट्स अप टू यू। मैं आप मीडिया से कहना चाहता हूँ, आप लोग सोचिए कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी कीजिए और देखिए कंसिस्टेंट ये कम्युनल पॉलिसीज को अपोज कौन करते आ रहा है। जो डिसाइड आप लोग डिसाइड कीजिए। अनिश जी, विकिपीडिया पर भी अगर आपके बारे में पार्टी कोई सर्च करता है तो उसमें भी लिखा आता है इस्लामिक उग्रवादी संगठन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर क्या कहेंगे? विकिपीडिया जो है ओपन सोर्स है, कोई भी उसे अपडेट कर सकता है। विकिपीडिया में आप जाकर अगर नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ेंगे तो गुजरात राइट्स का है, योगी के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, अमित शाह के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सटॉर्शन के बारे में है। तो विकिपीडिया को हम लोग एक बेस ना बनाए। निश्चित, एक और काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपके फंड के फंडिंग के तरीके पर सवाल उठता है। मैं जानना चाहता हूँ आपके फंडिंग का तरीका क्या है, कहाँ से वो फंड आता है? The main source of our funds is contribution of our members. हमारा members महीने महीने अपना चंदा देते तंजीम को और हम public से भी fund collection करते हैं। साल में एक मरतबा public से fund collection करते हैं। इसमें भी बड़े बड़े लोगों से बड़ा बड़ा amount का भी collection हम नहीं करते। लोग सादा सीधा लोगों के पास जाके छोटा छोटा अमाउंट कलेक्शन करते हैं, वो हमारे काम के लिए वो काफी भी है। अभी तक इससे बड़ा एक अमाउंट का जरूरत भी नहीं पड़ा है। we are working in India and working fund from India only. Public fund. हर साल में इनकम और रिटर्न भी हम देते हैं, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। You in your website have announced that your funding is as per subscription model. Yeah. Why hasn't your funding be in the public domain? You say that every activity of yours has been in the public domain. Why has there been an exception to funding process? We see all other political parties also revealing their funding sources. If you have nothing to hide about, why don't you reveal your funding sources? Because there have been allegations. See, our funding sources is, for example, every year in the month of maybe May or June or something, what we do is our funding announcement is very open. People pay us through our website, online payment. People will pay through Google Pay, through all the UPIs. So our payment is not what you can say is something very hidden thing. It's open. Number secondly, we are a registered organization. Every registered organization in India has to submit their accounts to the Income Tax Department, and that is what Popular Front of India has been doing since the time we started. So it's not that our funding and our financial system is a hidden thing. It's open to the government of India. The government knows about it. SDPI आपका पॉलिटिकल फ्रंट है क्या? और क्या SDPI के जरिए आप सियासत में भी दखल दे रहे हैं, साउथ में, कर्नाटक में और बाकी हिस्सों में भी आपका इरादा है सियासत में करने का? देखिए, SDPI जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक, बार बार न्यूज में आता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिटिकल विंग है करके, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिटिकल विंग नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करता है SDPI को, SDPI सपोर्ट करता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट और प्रमोट भी करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग SDPI के अंदर भी है, SDPI में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग हैं, लेकिन एक पॉपुलर फ्रंट की लीडरशिप SDPI को चलाती है ऐसा नहीं है, उसका एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप है। देखिए, संघ का क्या आप जानते हो कि बीजेपी क्या है? बीजेपी तो पूरी तरीके से वो लोग तो कहते हैं हमारा पॉलिटिकल विंग है करके ना, हम क्या नहीं चाहते कि अगर हमें अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना था, पॉपुलर फ्रंट को ही पॉलिटिकल पार्टी बनाते, ज्यादा सपोर्ट मिलता हमें, लेकिन हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सोशल मूवमेंट रखा। हम नहीं चाहते कि हमारा काम जो है पॉलिटिकल एंगल में देखा जाए, इसलिए हम SDPI के साथ जो है सिर्फ एक सपोर्ट रिलेशन हम लोग रखते हैं, एक क्या कहते हैं कंट्रोल रिलेशन हमारा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप उसकी है, वो लोग मैनेज करते जा रहे हैं उस चीज को। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल विंग नहीं है SDPI। ये बात तो संघ भी कहता है। आपसे गुजारिश है हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।